हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स। मेरा नाम है सौरभ साहा और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी फिगर को अच्छे से और ब्राइटली कलर कर सकते हैं फॉर योर बीएफए एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो फिगर का स्केच बना लिया, जिसको मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि आप कैसे किसी भी फिगर के स्केच को बना सकते हैं, तो उसी टेक्निक का यूज करके मैंने यहाँ पर बना दिया ये स्केच। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। इसके बाद सबसे पहले आता है हमारे मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं। सबसे पहले ये रहा मेरा पैलेट जो इधर पर है, ये मैंने अमेजोन से मंगाया था। ये पैलेट काफी अच्छा है क्योंकि ये सील हो जाता है और अगर हम किसी कंपटीशन या एग्जाम के लिए जाए तो क्या होता है कि जो कलर्स होते हैं वो खराब नहीं होते और अपने बैग से लग नहीं जाते, क्योंकि अगर हम फ्लैट वाला पैलेट यूज करें तो क्या होता है उससे कोई भी पैलेट आप यूज कर सकते हैं लेकिन उससे क्या होता है बैग में कलर लग जाता है या फिर जो इधर हम कलर मिक्स करेंगे वो अगर वेट हो तो पूरे बैग को खराब कर देता है, तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो कलर्स इसमें पोर्ट किए गए हैं इसे मैं कई दिनों तक यूज कर सकता हूँ बिना रिप्लेस किया अगर वो कलर खत्म नहीं हुआ तो इसलिए बहुत अच्छा है ये। और काफी सारे इसमें क्या कहते हैं प्लेसेस है ताकि मैं काफी सारी क्या कहते हैं कलर्स को इसमें रख सकूं, जितने चाहे उतने कलर्स रख सकता हूँ और उसमें इसके साथ मिक्सिंग के लिए भी काफी सारे जगह है। तो ये पैलेट में यूज करते हो, लेकिन आपके पास अगर ये नहीं है तो आप जो भी यूज करें चलते। इसके बाद इस पैलेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है कलर्स। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कैमलिन के आर्टिस्ट वाटर कलर्स के 12 शेड्स के पैक। आपको अगर 12 शेड्स ना मिले या फिर ज्यादा महंगा लगे तो आप बस 6 शेड्स यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप कोई भी कलर बना सकते हैं। जिसके लिए आप ब्रंट सियाना लेमन येलो की जरूरत नहीं है, गैम्बोज येलो अच्छा है ये चाहिए होता है, ऑकर येलो, वर्मिलियन की उतनी जरूरत नहीं है जितनी क्रिम्सन लेक की है, क्योंकि वर्मिलियन कलर काफी यूजफुल है लेकिन अगर क्रिम्सन लेक में थोड़ा सा येलो मिक्स कर दे तो वर्मिलियन जैसा कलर निकल सकता है। उसके बाद पर्शियन ब्लू मैं बोलता हूँ कि यूज कीजिए क्योंकि इससे आप ये दोनों कलर आसानी से बना सकते हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अल्ट्रा मेरिन को यूज करता हूँ क्योंकि ये का फ्रेश कलर होता है और दिखने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप चाहे और अगर आपके पास उतने ज्यादा आप खरीद नहीं सकते तो पर्शियन ब्लू अगर आप यूज करें तो ये दोनों ब्लू आप मिक्स कर सकते हैं। और विरिडियन ग्रीन और सेपिया में सैप ग्रीन में आप विरिडियन खरीदिए क्योंकि विरिडियन ग्रीन को फिर से आप अगर ऑकर येलो के साथ और थोड़ा सा ब्राउन के साथ मिक्स करें तो आप अच्छे से सैप ग्रीन कलर ला सकते हैं। तो ये सब कलर मैं यूज करता हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें ब्राउन पोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ब्राउन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक, तो इतना में हमारा कलर हो गया। इसके बाद जो पेपर मैं यूज कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल पेपर यूज कर रहा हूँ, आर्टिस्ट वाटर कलर पेपर यूज नहीं कर रहा क्योंकि वो कंपटीशन में आपको कैसा पेपर मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप चाहे तो कोल्ड प्रेस आर्टिस्ट वाटर कलर पेपर यूज कर सकते हैं, वो बेस्ट होता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप कोई सस्ता सा पेपर यूज करें। इतना भी खराब नहीं होना चाहिए कि वाटर कलर पूरा एकदम फैल जाए या अच्छे से ना बैठे, लेकिन ऐसा पेपर यूज करें जो कि अच्छा हो। और वाटर कंटेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा सा बोल यूज कर रहा हूँ क्योंकि जितना बड़ा होगा बोल उतने अच्छे से आप अपने ब्रश को धो पाएंगे और बार बार अपने ब्रश को धो पाएंगे जल्दी पानी बिना गंदा हुए। उसके साथ साथ आप क्या कीजिए कि ऐसे क्लॉथ भी रख लीजिए साथ में, कोई भी क्लॉथ टिश्यू पेपर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर मत यूज कीजिए क्योंकि कितने टिश्यू पेपर आप यूज करेंगे कि काफी पानी आप यूज करेंगे और उतना टिश्यू पेपर आप फालतू में वेस्ट होगा, उससे अच्छा है कि आप बस एक क्लॉथ रख लीजिए। उसके साथ इसके बाद आते हैं ब्रशेस। अगर देखा जाए तो मेरे पास काफी सारे ब्रशेस है, काफी वेराइटी ऑफ ब्रशेस भी है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ कोई भी पेंटिंग के हिसाब से। ऐसे ये जो बड़े ब्रशेस है इसको मैं बड़े पेंटिंग्स में यूज करता हूँ, फिर ये रहे जो नॉर्मल ब्रशेस है,
फिर ये रहा फ्लैट ब्रश, इसको ऑयल पेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है, वाटर कलर में जो एक स्ट्रोक इफेक्ट देने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। और भी काफी सारे ब्रशेस हैं मेरे पास, ये रहा जो मीडियम फ्लैट ब्रश है, उसके बाद ये सारे ब्रश, काफी सारे ब्रश आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा नहीं बस 3 ब्रशेस का यूज करें। और एक चीज आपने देखा होगा कि मैं सारे वो गिलहरी के बालों वाले ब्रशेस का यूज करता हूँ, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा वाटर कंटेन होता है। आप देखिएगा जो भी आप सिंथेटिक ब्रश यूज करेंगे, अगर वो उतने हाई क्वालिटी के नहीं हो, मतलब राफायल ब्रशेस या फिर कुछ और ब्रशेस आप यूज करेंगे तो वो काफी अच्छे होते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक नॉर्मल ब्रशेस होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब होता है और वाटर कंटेंट अच्छा होता है। और जो नॉर्मली जो महंगे सिंथेटिक ब्रशेस होते हैं, राफायल डाविंची ब्रशेस जो जो होते हैं, उससे सस्ते भी है और उसी जैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो पूरा मटेरियल सेटअप है। उसके बाद चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना फिगर का ड्राइंग। तो सबसे पहले किसी भी फिगर के मतलब कलर करने से पहले हमें जानना पड़ता है कि उसके लाइट की डायरेक्शन क्या है। तो क्योंकि ये फिगर ऐसे है तो मैं डिसाइड करता हूँ कि लाइट की डायरेक्शन यहां से आएगी, इस पॉइंट से, मतलब यहां से लाइट इसके चेहरे पे गिर रहा है, ये हमने पहले ही सोच लिया। तो क्या होगा इसके बाद जो जो हम डिसीजंस बनाएंगे वो उसी हिसाब से हम बना पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी ओल्ड लेडी है, इसके बाल भी व्हाइट होंगे, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि अगर हमें व्हाइट कलर के बाल करने हैं तो हम क्या करें, इससे हमें ये भी पता चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा मीडियम ब्रश लेते हैं और ब्रंट सियाना को मिक्स करके थोड़ा सा वर्मिलियन लेके ऐसा कलर बनाते। ठीक है, इसके बाद इसको हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अब देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस जो शेडो एरियाज है उसको अच्छे से शेप करते जा रहा हूं। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा ऑकर येलो लेते हैं। क्या करते कि इसमें ऐसे हम इसको फैला देते हैं। ठीक है, फिर से थोड़ा सा ऑकर येलो उसी कलर में हम मिक्स करते हैं, थोड़ा सा और ब्राउन लेते हैं और यहां से जो बाकी फीचर्स है उसको कलर करते जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर जो कलर्स यूज कर रहा हूँ वो ऐसे कुछ नहीं है कि फिक्स आपको यही यूज करना, कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। नियरली ब्राउन कलर होने चाहिए, मतलब थोड़े से स्किन के कलर के साथ मैच करे वैसा कलर होना चाहिए। मतलब आप कुछ भी कलर का यूज करके एक अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं, एक अच्छा पोर्ट्रेट बना सकते हैं। कोई भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये कलर नहीं यूज कर सकते। कोई के लोग आप देखिएगा कि काफी कलरफुल ड्राइंग बनाते हैं, मतलब कुछ भी कलर यूज करके, मतलब जो कलर आप सोच भी नहीं सकते कि फेस में लग सकते हैं, ग्रीन ब्लू वो सब भी यूज करके अच्छे से एक फेस को रेंडर कर देते हैं। क्योंकि उन्हें मतलब जो लाइट एंड शेडो का नॉलेज है, जो एक वैल्यू का नॉलेज है, वो मेन काम आता है कोई भी
पोर्ट्रेट या फिगर बनाने में। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो ब्राउन के डिफरेंट शेड्स है, आप अगर एक ही कलर यूज करेंगे पूरे फेस में और अगर वो जो पोर्ट्रेट है या फिर जो जो फिगर है थोड़ा सा बड़ा है और अगर आप बस एक ही कलर यूज कर रहे हो उसमें, तो क्या वो काफी मतलब जो नॉर्मल दिखेगा या फिर काफी अनइंटरेस्टिंग दिखेगा, काफी डल या मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें। तो आप क्या कीजिए कि जो कलर्स है उसको थोड़ा सा वैरी करते रहिए थोड़ी देर में, तो क्या होगा कि जो एक इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्ट्रास्ट बन के आएगा आपके पूरे फेस में और वो दिखने में काफी अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप बस एक सिंगल वॉश से भी कर सकते हैं, और अगर आपकी फिगर्स छोटी हो तब आप उतने कलर्स का यूज ना कीजिए, लेकिन अगर आपके फिगर थोड़े से बड़े हो तब आप अच्छे से जितने मर्जी कलर का यूज करके अच्छे से बना लीजिए। देखिए क्योंकि ये एरिया डायरेक्टली लाइट को फेस कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने काफी सारे वाइड गैप्स छोड़ दिए, जो कि बस सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर कोई फीचर्स है, लेकिन उसे उतने अच्छे से डिफाइन करने की जरूरत नहीं। यही वाटर कलर का एक जो रियलिस्टिक या फिर स्टाइलिस्टिक इफेक्ट देने में हेल्प करते हैं। अब देखिएगा कि जो ये फेस का जो शेडो है यहाँ पर कंधे पर भी फैल जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसी से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम शेडोज पेंट करते हैं ना, आप थोड़े से कूल कलर्स यूज कीजिए, क्योंकि शेडोज में कूल कलर्स यूज होते हैं। तो कूल कलर्स कौन कौन से होते हैं, जो कि ब्लूइश टाइप होते हैं, ब्लू ग्रीन कूल कलर होते हैं, और ज्यादातर ब्लू ही हम कूल कलर में यूज करते हैं। तो हमने क्या किया कि ब्लू को थोड़ा सा वर्मिलियन के साथ मिक्स करके एक थोड़ा सा वायलेट काइंड ऑफ कलर बनाया और उसको ऐसे फैलाते गए, ठीक है। देखिए इस बार मैंने क्या किया, थोड़ा सा रेड की क्वांटिटी ज्यादा ली, पिछले बार ब्लू की क्वांटिटी ज्यादा थी तो थोड़ा सा ब्लूइश वायलेट था, लेकिन इस बार मैंने रेड की क्वांटिटी ज्यादा ली तो थोड़ा सा पर्पल बना। तो फिर क्या होता है कि इससे एक अच्छा सा फिगर में वेरिएशन होता है शेडो का भी। अब क्योंकि ये शेडो अभी ठीक है, इसके बाद हम फिर से अपना जो ब्राउन कलर था उसको थोड़ा सा डार्क मिक्स करेंगे इस बार, क्योंकि ये हमारा शेडो का एरिया है, थोड़ा सा डार्क मिक्स करेंगे और ऐसे अच्छे से शेडो एरियाज को बना देंगे। तो ये रहा जो हमारा शेडो एरिया पूरी तरह से बन गया। ये अभी भी हम फर्स्ट वॉश में चल रहे, इसके बाद हम दो और लेयर्स का यूज करके अच्छे से इस फेस को और भी ज्यादा डिटेल बना सकते हैं। मतलब ये गारंटी नहीं है कि हम बनाएंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा डिटेल करने लगे किसी भी फिगर में तो वो खराब होने का चांस भी होता है। तो आप चाहे तो जितना भी डिटेल दे सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि टाइम भी कम होता है उन सब कॉम्पिटिशन्स में, और थोड़ा सा क्या होता है आपको एक अपना जो आर्टिस्टिक और स्टाइलिस्टिक अंदाज है वो भी दिखाना होता है। तो आप क्या कीजिए, ज्यादा डिटेल मत कीजिए, बस थोड़ा सा एक सजेशंस दीजिए बस कि यहाँ पर ये है। ये सजेशंस देने से ही काफी एक अच्छा सा इफेक्ट निकल के आता है हमारे वाटर कलर में, ठीक है। तो अभी के लिए यही पे हम अपने जो फेस है उसको छोड़ देते हैं, बाद में अगर कुछ और करना हो तो हम करेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद फेस के बाद हम क्या करते हैं कि जो ये हाथ है इस पे आते हैं इसी तरह से देखिए, क्योंकि ये
फेस पे यहाँ पर डायरेक्टली गिर रहा था क्या द लाइट, इसलिए ये फेस ऐसे लिट हुआ क्योंकि और यहाँ पर इतने सारे वाइड गैप्स हुए। उसी तरह से हाथ में भी ये यहाँ पर डायरेक्ट गिर रहा है, तो ये जो पार्ट होगी ये डार्क होगी और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट होगा। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने जो हाथ को है, क्योंकि ये शेडोज के एरिया में ज्यादा है। तो हम मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, थोड़ा सा ब्लू लेके इसके बेस के लिए ऐसे बनाता हूँ। आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं डायरेक्टली इसमें ब्लू कलर का यूज कर रहा हूँ, काफी अजीब सा कलर ही है किसी भी ऐसे बॉडी पार्ट के लिए ब्लू कलर, लेकिन फिर भी देखिएगा ये काम करेगा। इससे यहाँ पर थोड़े से आप ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दीजिए जो कि वेन्स जैसे, हाथ के वेन्स जैसे दिखेंगे, क्योंकि ये काफी बूढ़ी औरत है। तो आप देखिएगा किसी भी ओल्ड एज बूढ़ी औरत में कि वेन्स काफी दिखाई देते हैं, काफी झुर्रियां और वेन्स की वजह से काफी इंटरेस्टिंग सा कॉम्पोजिशन बनता है उनके पूरे फिगर। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या किया कि जो डार्केस्ट पार्ट रखा है वो जो एकदम एज है उससे थोड़ा सा ऊपर है। ये क्या होता है, इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड लाइट। तो क्या होता है कि हमारा जब कोई स्फीयर होता है ना, तो स्फीयर में जो डार्केस्ट पार्ट होता है वो कोर शेडो होता है, क्या होता है कोर शेडो होता है जो कि स्फीयर के थोड़े ऐसे होते हैं, मतलब थोड़े बीच में होता है, और जो एकदम एज में होता है ना जहां से शेडो स्टार्ट होता है वहां पर एक रिफ्लेक्टेड लाइट का एरिया होता है, उसी को हम इसमें यूज करेंगे। जो आर्ट के प्रिंसिपल्स होते हैं उसको यूज करके हम अच्छी सी पोर्ट्रेट मतलब फिगर बनाएंगे। इस बार हमने थोड़ा सा डार्क ब्राउन टाइप का कलर यूज किया, थोड़ा सा इसमें पर्शियन ब्लू मिलाया तो एक काफी अच्छा सा ब्राउन मिल गया। और आप इसको ऐसे फैलाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर से मैं थोड़ा सा रेड लेके और ब्राउन लेके ऐसे एक और कलर मिक्स करता हूँ। ब्राउन का ही ये और एक शेड है जो कि थोड़ा सा रेडिश है, और फिर इसको ऐसे हाथ में फैला देता हूँ। यहाँ से मैं थोड़े से सूखे ब्रश से क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कलर हटा ले रहा हूँ, तो इससे क्या डायमेंशन आएगा हमारे हाथ में और एक 3D फॉर्म का जो इल्यूजन है वो हम क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इस हाथ को ऐसे रखते हैं, और बाद में जो सेकेंड और थर्ड लेयर होगा उसमें हम इसको ठीक कर देंगे। थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करते हैं जो फिंगर्स है उसके लिए। देखिए आपको फिंगर्स को उतने डिटेल्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसकी आपको बस एक फॉर्म को आपको सिलवेट करना पड़ेगा।
से। थोड़ा सा ब्लू कलर लेके यहाँ पर ऐसे इसको बना देते हैं। देखिए कि मैंने यहाँ पर काफी सारे व्हाइट गैप्स छोड़े, वो क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट से रिफ्लेक्ट हो रहा है ये वाला जो एरिया, इसलिए यहाँ पर व्हाइट गैप्स रहेंगे। मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था कि जो लाइट एंड शेडो का जो रेशियो है उसको अगर हम अच्छे से, जो लाइट एंड शेडो का रिलेशन है एक पेंटिंग में, उसको अच्छे से यूज करेंगे तो उतने डिटेल्स के बिना भी एक फिगर काफी अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये हाथ ऑलमोस्ट हो गया और यहाँ पर देखिए एक और फोर शॉर्टेंड हाथ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली थोड़ा सा ब्राउन लेते हैं, ज्यादा पानी हो गया, थोड़ा सा ब्राउन लेते हैं, वर्मिलियन लेते हैं और यहां पर अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा ब्लू और ब्राउन को मिक्स करके ये रहा ऐसे, और देखिए मैंने क्या किया कि जो बीच में थोड़ा सा जगह मैंने छोड़ दिया ऐसे, तो इससे क्या होगा, एक 3D फॉर्म का इल्यूजन बनेगा। और ये रहे दूसरे जो फिंगर्स उस हाथ के, जो जिसने इस हाथ को पकड़ा हुआ है, इसको भी हम उसी कलर से बना देते हैं। इसको इतना भी रहने देते हैं, ये फर्स्ट वॉश है, मतलब ये बस फर्स्ट स्टेप है हमारे हैंड के बनाने का, इसके बाद हम इसे और अच्छा बनाएंगे। तो इसके बाद अभी हम इसके कपड़ों पे आते हैं, तो देखिए कपड़ों में भी हम उसी टेक्निक का यूज करेंगे और फोल्ड्स को दिखाने के लिए भी बस उसी सिंपल टेक्निक का यूज करेंगे। ब्लाउज का उसे हम बना लेते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्रिम्सन लेक कलर है उसको ऐसे करके मिक्स करेंगे। और मेरे टीचर ने एक बार मुझे बोला था कि क्रिम्सन लेक कलर कभी डायरेक्ट मत यूज करना, क्योंकि वो नेचुरल एलिमेंट्स में कभी मिलता नहीं है ऐसा एक कलर। ऐसा देखेंगे कि ये थोड़ा सा पिंकिश टाइप का कलर है, ऐसा कभी नेचर में दिखने भी नहीं मिलता, और अगर कोई चीज इस कलर का बना भी हो तो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करती है कि ऐसा कलर डायरेक्टली कभी नहीं मिलता हमें किसी भी कोई भी फोटो आप देख लीजिए, अगर इस टाइप का कोई कलर है भी तो डायरेक्टली कभी नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, इस क्रिम्सन लेक को थोड़ा सा पर्पलिश बना देते हैं, थोड़ा सा ब्लू मिक्स कर देते हैं इसमें, तो क्या दिखता है, ये थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाता है। थोड़ा सा वर्मिलियन भी मिक्स कर देते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा कलर बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये ब्लाउज का एक डिविजन बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कलर मिक्स करते हैं और यहाँ पर ये ऐसे करके हम फोल्ड्स को, जो शेडोज होंगे वो फोल्ड से ही तो बनेंगे, फोल्ड्स को हम दिखा रहे हैं। फिर से थोड़ा सा ब्रश को फैलाइए और इसी शेडो को आप बस थोड़ा सा ऐसे ब्रश से पानी से फैला दीजिए और एक अच्छा सा जो सेंस मिल जाएगा आपको कि यहाँ पे फोल्ड्स है, उसका सेंस आपको अच्छे से मिलेगा। वो कुछ नहीं करना, बस जो शेडो एरिया से जो फोल्ड्स है उसके ऊपर ऐसे बस
शेप बना देना, उन फोल्ड्स का शेप बना देना है। इसे करके फिर से थोड़ा सा कलर मिक्स कीजिए। और ऐसे फोल्ड्स को बना दीजिए। थोड़ा सा केयरफुल रखिए ब्रश के स्ट्रोक्स को, आपको बस स्ट्रोक्स का ही यूज करना है और अच्छे से शेप्स ऑफ फोल्ड्स को आपको दिखाना है, क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि ज्यादा डिटेल एक दो तीन लेयर में बनाए तो आप बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि उससे जो एक नेचुरल फ्लो है कलर्स का वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। जो डिटेल पार्ट है जैसे कि हैंड्स हो गए और बाकी जो फेस का पार्ट हो गया उसको आप ज्यादा लेयर दीजिए, लेकिन जो थोड़ा सा उतना मिनिमल एरिया है जिसमें उतना ध्यान भी नहीं जाता है लोगों का, तो उसको आप उतना ज्यादा क्या बोलते हैं लेयर्स मत दीजिए, बस उसको जितना जल्दी हो सके आप खत्म कीजिए यूजिंग सम ब्रश स्ट्रोक्स। तो इतने ब्रश स्ट्रोक्स में हम इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है, इसमें भी वो लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, ऐसा एक कॉन्ट्रास्ट बन रहा है कलर और उसका। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर हो गया इसका। इसके बाद हम इसमें और थोड़ा सा डिटेल जब देंगे तो थोड़ा सा और एक लेयर बना देंगे। इसके बाद अभी जो साड़ी का मेन पार्ट है, तो उसके लिए हम क्या करते है एक ब्राइट कलर लेते हैं जो कि है गैम्बोज येलो। ऐसे ये कलर को डायरेक्टली थोड़ा सा मैं इसमें ऑकर येलो मिक्स करूंगा, तो इससे ये कलर काफी रिच बन जाते हैं, अच्छा लगता है ये कलर इसमें। इसके बाद सेम तरीके से उसी टेक्निक को यूज करके जैसे हमने इस ब्लाउज में किया था, बस फोल्ड्स को हम ऐसे करते जाएंगे। देखिए ऐसे स्ट्रोक मार के आप फोल्ड्स बनाइए। देखिए यहाँ पर जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ ये मेरा कम्प्लीटली माइंड से नहीं बना रहा हूँ, ये मैं राजकुमार साथा भाई का एक जो ड्राइंग है क्या बोलते फिगर का, उनसे यू देख के मतलब रेफरेंस लेके बना रहा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली उस पेंटिंग का कॉपी नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि उसी पेंटिंग के जो स्टाइल्स है कलर्स है उसका यूज करके अपने स्टाइल में उसको बना रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो एक मास्टर्स ऑफ वाटर कलर है तो उनकी जो नॉलेज है वो भी हमें मिलेगी और उसके साथ साथ हम अपने स्टाइल पे भी काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर फिर एक ऑकर येलो से हम छोटा सा वॉश देते हैं, इसके ऊपर हम दूसरा कलर करेंगे लेकिन ये वॉश दिया है ताकि दूसरे डिटेल्स हम इसमें दिखा पाए, ठीक है। नीचे भी अब देखिए क्योंकि ये जो नीचे का पार्ट है ये थोड़ा सा और शेडो में होगा, तो मैंने क्या किया थोड़ा सा ऑकर येलो ऑन मिलाया और इसमें थोड़ा सा वर्मिलियन थोड़ा सा ब्राउन से करके मिक्स कर दी, तो ये थोड़ा सा डार्क टाइप का येलो बन गया। हाँ और ऐसे करके इसको मैंने बना दिया। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस थोड़े ऐसे एक दो मार्क्स बना दे रहा हूं ऐसे और इतना ही काफी है, बस इतना ही काफी है इस पार्ट के लिए साड़ी के लिए। और इसके बाद थोड़ा सा ये कलर लेके आप
ये वाले ब्लाउज को भी बना दीजिए, मैं भूल गया था पिछले बार ये वाला ब्लाउज, तो इसको भी बना दीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस हेयर बाकी है ना। तो अब क्योंकि ये हमने सोचा था कि जो एक व्हाइट हेयर होगा तो इसको हम उसी टाइप से बनाएंगे, लेकिन व्हाइट हेयर अगर आप बस ऐसे व्हाइट छोड़ देंगे तो नहीं होगा ना, आपको कुछ कलर तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो ब्राउन कलर हमारा पहले का था उसी में थोड़ा सा पानी मिला दिया, थोड़ा सा ऐसे करके, थोड़ा सा ब्लू भी मिला दीजिए, हल्का सा, हल्का ज्यादा नहीं। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा पील टाइप का ब्राउन हो गया और काफी लाइट है। तो इसमें हम ऐसे करके स्ट्रोक्स बनाएंगे, थोड़ा सा पानी दीजिए इसको, ऐसे करके स्ट्रोक्स बनाइए। आप मेरे एक एक ब्रश स्ट्रोक को देख सकते हैं कि कोई भी स्ट्रोक ऐसे फालतू नहीं है, ये सारे स्ट्रोक्स ही ड्राइंग को बना रहे। अगर आप चाहे तो खिस खिस के, मतलब बस थोड़े से हल्के से वॉश दे के खिस खिस के 10 घंटे में एक ड्राइंग को बना सकते हैं, लेकिन उसमें वो जो फ्लो, वो जो एक फील होगा जो एक मास्टर के ड्राइंग में होते हैं, एक जो अच्छे ड्राइंग में जो एक फील आता है वो नहीं आएगा उसमें। वो दिखने में अच्छा लग सकता है, अगर आप दूर से देखें तो उसे अच्छा लग सकता है दिखने में, सामने से भी वो काफी अच्छा लग सकता है, लेकिन वो जो एक इंटरेस्टिंग नेचर होता है आर्ट का वो नहीं आएगा उसमें। तो फिर मैंने क्या किया, इसके बाद थोड़ा सा ब्लूश कलर लिया और इसमें बालों में जो शेडो एरियाज है उसमें यूज कर रहा हूं। देखिए मैं शेडो एरियाज में ब्लू क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि जो शेडोज है हमारे वो हमेशा कूलर होते हैं। आप कहीं भी देखिएगा, जैसे कि आप अगर दूर के पहाड़ों को देखिए कभी तो वो भी ब्लू नजर आते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी डिस्टेंस होता है या फिर एटमोस्फेरिक पर्सपेक्टिव का यूज होता है तो वो ब्लू हो जाता है। तो उसी को हम लोग वाटर कलर में, क्योंकि अगर हम एक्चुअली में देखें तो ब्लू नजर नहीं आएगा हमको शेडोज में, लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखें तो वो क्या होता है, जो ग्रे होगा, जो शेडो का ग्रे होगा उसमें थोड़ा सा एक ब्लूइश टिंट होता है। तो उसी को हम थोड़ा सा और, मतलब और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं उस ब्लूइश टिंट को, डायरेक्टली ब्लू ही यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक वाइब्रेंस आती है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप जो मिलिन मल्लिक के जो लैंडस्केप होते हैं पेंटिंग्स उसको देखिएगा, उसमें कितना अच्छे से शेडोज को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करके बनाया जाता है, और उसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ब्लू होता है। तो उससे काफी अच्छा एक इफेक्ट आता है पूरे पेंटिंग पे, काफी सुंदर दिखता है। और अगर आप बस ब्लैक कलर के या डार्क शेडोज बनाएंगे तो दिखने में काफी बोरिंग लगेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डीप ब्राउन को मिक्स किया मैंने, और उसके बाद अभी फिर से फेस पे आते हैं। देखिए वाटर कलर की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी एक एरिया पे वर्क कर रहे हैं तो दूसरे एरिया पे वर्क करते करते वो वाला एरिया सूख जाता है, तो क्या होगा, आप फिर से उस एरिया पे आके काम कर सकते हैं। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, जो थोड़े छोटे छोटे एरियाज थे इसको मेरे को थोड़ा सा डिटेल देना था उसको मैं बना दे रहा हूँ, जैसे कि ये छोटे छोटे एरियाज। आप चाहे तो इस स्टेज में भी आप इसको फेस को छोड़ सकते हैं, काफी ठीक लग रहा है हमारा ये फेस अभी भी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन हो तो इतना हम इसमें ना रखे, थोड़ा अच्छे डिटेल्स दे दें। ऐसे
देखिए हमने क्या किया कि जो शेडो एरियाज थी उसी को थोड़ा सा डार्क कर दिया, क्योंकि वाटर कलर में आप जितना भी डार्क करें ना, मतलब पहले वॉश में जब ज्यादा पानी यूज करें पहले वॉश में, तो वो जितना भी आप ज्यादा डार्क कलर या वाइब्रेंट कलर यूज करें वो कुछ देर बाद वो मतलब लाइट हो ही जाता है। तो हम एक और स्ट्रोक मार देते हैं जिससे क्या होता है कि वो थोड़ा सा डार्क दिखने लगता है और अच्छा दिखने लगता है। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा पतला ब्रश का यूज करेंगे और ऐसे लेकर थोड़ा सा लिप्स के पार्ट्स को देखिए, जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं मतलब जो कॉमन मैन या फिर जो जो भी होते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे कि जो लिप्स होंगे उसको आप जो क्रिम्सन लेक है उस कलर का यूज करके बनाएंगे, लेकिन डायरेक्ट क्रिम्सन लेक ही ना यूज करें क्योंकि वो दिखने में काफी आर्टिफिशियल लगेगा, क्योंकि वो कलर जैसे कि मैंने बोला था पहले ही कि नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम क्या करेंगे उसमें थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करके या थोड़ा सा ब्लू मिक्स करके करेंगे, और क्योंकि ये फेस का पार्ट है तो हम इसमें थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करेंगे, तो क्या होगा कि एक रियलिस्ट कलर जैसा दिखेगा, एक रियल कलर जैसा दिखेगा। से यहाँ पर थोड़े सा डिटेल्स कर देते हैं गले में भी और इसको इधर भी। देखिए काफी डिटेल हो गया, इतने सिंपल सिंपल स्टेप्स में ही, 2 स्टेप में ये काफी ज्यादा डिटेल हो गया है, और मैं नहीं चाहता कि इससे आगे मैं जाऊँ फेस में, क्योंकि इससे आगे अगर गया तब तो कुछ और ही बन जाएगा ये। अच्छा दिखेगा फिर भी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इससे आगे जाओ। और अगर आप चाहे तो इतने स्टेप में भी नहीं, फर्स्ट स्टेप में भी आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि टाइम उधर कम होगा। तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ा अच्छे से बना रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप जितने चाहे उतने मतलब कम स्टेप्स रखिए और अच्छे से स्ट्रोक्स का यूज कीजिए। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट फेस हो गया, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे फेस को, और फिर बाकी बॉडी पार्ट में फिर से आएंगे। तो मैंने जो ब्लाउज को छोड़ दिया था ऑलमोस्ट, एक्चुअली ब्लाउज में मैं और कम करूंगा ही नहीं, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत बस जो कहते हैं जो फोल्ड्स है ना उसके, मैं उस टाइम ही कर सकता था इसको, लेकिन मैंने नहीं किया फोल्ड्स को उस टाइम, क्योंकि वो काफी भीगा हुआ था। तो मैं अगर थोड़ा सा डार्क कलर देता तो फिर से लाइट बन जाता, जो जैसे कि मैंने पहले बोला था। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, बस थोड़े जो फोल्ड्स है जो कहते हैं बीच के पार्ट्स है उसमें थोड़े से बस दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये डिफाइंड हो रहा है, बॉर्डर जैसे कहते हैं। ठीक है, बस इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ब्लाउज को। इतना ही बस छोड़ देना है ब्लाउज को और कुछ नहीं करना है। इस साइड के ब्लाउज को भी बस सेम ऐसे पतले ब्रश से थोड़ा सा ऐसे बस मार्क्स मार, बस काफी, और कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे छोड़ देते हैं। उसके बाद अभी जो हमारा हाथ हमने बनाया था उसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। चलिए, तो फिर जैसे ये जो बैंगल था उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर लेके ऐसे क्या करते हैं, गैप्स छोड़ छोड़ के ऐसे एक जो ऑकर येलो और ब्राउन का मिक्सचर है ऐसे करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक डिजाइन वाला जो बैंगल का एक लुक आएगा। अगर हम डिजाइन बनाने बैठे एक एक तब तो हो ही गया टाइम, उससे अच्छा हम क्या करते हैं ऐसे एक डिजाइन वाला लुक के लिए ऐसे बस गैप्स छोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं थोड़ा सा ब्राउन को रेड के साथ मिक्स करके एक डीप काइंड का रेड बनाते हैं और उसके बॉर्डर में डाल देते हैं। ये क्या होगा, कोई गोल्डन बैंगल या फिर कोई भी बैंगल का एक लुक आएगा। ठीक है, फिर से हम अपना जो मीडियम ब्रश है उसको उठा लेते हैं
और फिर थोड़ा सा देखिए हमने जो हैंड किया था वो काफी डल लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि जितना भी हम वाइब्रेंट कलर डाले वाटर कलर में वो वाइब्रेंसी खत्म हो ही जाती है अपनी, क्योंकि वो सूखने के बाद काफी लाइट हो जाता है। और जो वाटर कलर पेपर का मैंने बात किया था उसमें यही सबसे अच्छी बात है कि जो कलर है वो काफी वाइब्रेंट रहते हैं, काफी देर तक उसमें भी सूख जाता है। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि वाटर कलर में जो फर्स्ट लेयर का कलर था जिसमें ज्यादा पानी आपने यूज किया वो जैसा था वैसा ही रहे जब आपने अप्लाई किया था, वो हल्का हो ही जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है जो कलर्स की एक वाइब्रेंसी होती है वो बची रहती है। इसे हम इसमें कलर करते हैं। आप देख रहे हैं कि सारे कलर्स का उतना यूज नहीं है जितने कुछ सिंपल कलर्स का है, तो उसी कलर्स को अगर आप रखे तो अच्छा होगा। आप अगर सोचे कि मैं पूरा एकदम 24 कलर्स का पैक खरीद लूं या फिर 100 कलर्स का पैक खरीद लूं और मेरा ड्राइंग अच्छा हो जाएगा, तो ऐसे कभी नहीं होगा। आप क्या होगा कि जितने कलर्स आप लेंगे उतना आप कंफ्यूज होंगे। अगर आप सोचे कि कोई भी कलर मुझे मिक्स नहीं करना है, सारे के सारे कलर मैं बस ऐसे क्यूब से निकाल के यूज करूंगा, तो आपका कुछ नहीं होगा, बस कंफ्यूज होंगे आप। उससे अच्छा है 12 कलर्स का पैक बेस्ट होता है। और अगर आपके पास 12 कलर का पैक नहीं है तो आप बस 6 कलर का पैक भी यूज कर सकते हैं। मैंने ज्यादातर टाइम अपने लाइफ में बस 6 कलर के पैक से ही किया है। अभी रिसेंटली मैंने ये 12 कलर का पैक खरीदा है क्योंकि मेरा जो 6 कलर का पैक था वो खत्म हो गया था पूरी तरीके से। और ये 12 कलर का पैक आप खरीदेंगे तो क्या होगा कि पहले हम क्या करते थे कि जो ब्लूस है एक ही ब्लू था मेरे पास और बाकी सारे ब्लूस मैं उस एक ही ब्लू से बना लेता था, तो क्या होता था कि वही एक ब्लू सबसे ज्यादा यूज होता था और जल्दी खत्म हो जाता था। लेकिन जब ये 12 कलर वाला पैक खरीदेंगे आप तो 3 ब्लू आपको मिल जाएगा, तो क्या होगा कि जो नेचुरली जो एक ब्लू था उसका जो यूजेज है वो डिवाइड हो जाएगा और वो ज्यादा देर तक चलेगा। लेकिन मैं एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि आप जो कहते हैं 20 ml वाला पैक है वही खरीदे, क्योंकि देखिए कि आपको वाटर कलर में कलर यूज करना है, और अगर आप मतलब बचा बचा के यूज करेंगे कलर तो कभी अच्छा ड्राइंग नहीं बनेगा। हाँ, आपको पैसे का ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना है, इकोनॉमिकली ही आपको आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी 20 ml का पैक बेस्ट होता है। इससे ज्यादा भी आपको नहीं चाहिए, काफी दिनों तक चल जाता है, 1-2 साल तो शायद अगर आप अच्छे से मतलब ध्यान रखेंगे उसका और यूज करेंगे तब तो चल ही जाएगा। मेरा 1-2 साल नहीं चलता, 1 साल के अंदर अंदर ही खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी चलता है। अगर आप सिर्फ वाटर कलर करें फिर भी काफी दिनों तक चल जाता है। और अगर आपको 5 ml या 12 ml वाला पैक खरीदेंगे ना तो आपको करने में भी उतना मजा नहीं आएगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। और 1-2 महीने में बार बार अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलेंगे वाटर कलर खरीद लेने तो वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि काफी महंगा कलर होता है। इससे अच्छा है एक बार में अच्छा पैक खरीदिए और उसको यूज कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो बेस लेयर था उसको मैं पूरा कवर नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े पार्ट्स में जो जो डिटेल्स है उसको ही मैं थोड़े से बस और अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। जो फिंगर्स के बीच का डिवीजन है जो कि मिट गया था, मतलब क्योंकि मैंने काफी पानी का यूज किया था फर्स्ट लेयर में इसलिए वो मिट गया, तो फिंगर के लेयर्स का डिवीजन था उसी को मैं थोड़ा सा उभार रहा हूँ और कुछ नहीं, बस उसको उभार रहा हूँ, बस इतना ही काफी होगा, इससे ज्यादा आप मत करने जाइए, ठीक है, बस इतना काफी होगा हाथ के लिए। अभी देखिए ऑलमोस्ट हमारा फिगर रेडी है, बस साड़ी के पार्ट को बाकी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिर से अपना मीडियम ब्रश उठाते हैं और क्या करते हैं थोड़ा सा येलो में जो डीप वाला येलो हमने बनाया था उसमें थोड़ा सा वर्मेलियन ऐड करते हैं, तो एक क्या बनता है काफी अच्छा ऑरेंज बन जाता है। अगर आप चाहें तो
क्रिम्सन लेक से भी वो ऑरेंज बना सकते हैं, लेकिन येलो का फिर थोड़ा ज्यादा यूज होगा। वर्मिलियन क्या होता है, उसमें थोड़ा सा येलो पहले से मिक्स होता है, तो उससे जो ऑरेंज निकलता है वो काफी प्योर और अच्छे से निकलता है। तो फिर ऐसे करके थोड़ा सा और ब्राइट से, ठीक है ऐसे, हाँ ऐसे करके बस जो शेडो से उसको आप दिखा दीजिए। ऐसे देखिए जो डिवीजन है, जब ऐसे करके साड़ी का बन जाएगा तो दिखने में काफी अच्छा लगेगा। ऐसे और थोड़ा सा इस टाइम क्या कीजिए, आप अपने हाथ में दो ब्रशेस रखिए, ऐसे करके फैलाते जाइए थोड़ा पानी से। उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर देखिए स्ट्रोक्स, ऐसे स्ट्रोक्स स्ट्रोक्स, और यहाँ पर यहाँ का शैडो बना दीजिए ऐसे, बस यहाँ पर भी थोड़ा सा स्ट्रोक, ऐसे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको जो साड़ी के फोल्ड्स है वो और अच्छे से दिखने लगते हैं। ठीक है, बस इतने में ही ये पार्ट को छोड़ दीजिए, ज्यादा आप करने जाएंगे तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अभी ये नीचे का पार्ट, इसी कलर को आप अभी यूज कीजिए और ब्राइट टाइप का एक ऑरेंज हमने किया और यहां पर ऐसे फैला दिया। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो फोल्ड्स थे, जो शेडोज थे, फोल्ड्स के जो शेडोज है उन पर ही मैं फैला रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं पूरे साड़ी पे क्यों नहीं फैला रहा, क्योंकि यहाँ पर दूसरे कलर से उसका जो पाड़ होता है, बंगला में हम उसको पाड़ बोलते हैं, साड़ी के जो एक जो एज होता है साड़ी का, जो कि डिफरेंट कलर का होता है ऑलमोस्ट हमेशा, तो उसी कलर को हम इसमें डालेंगे। ऐसे डाल देते बस इतना ही है। उसके ऊपर अगर हम चाहे तो लास्ट में एक दो फोल्ड्स थोड़े डीप कलर से और पतले ब्रश से दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो इतने में भी इस पार्ट को छोड़ सकते हैं। तो ये मैं जो यूज कर रहा हूँ रेफरेंस राजकुमार साथाबाई की पेंटिंग का, तो इसमें ये ग्रीन कलर से बना हुआ है, लेकिन आप बस ऐसे ही क्योंकि उन्होंने बनाया है तो ही आप, तो भी आप मैं बना रहा हूँ, ये रीजन नहीं है। उन्होंने ग्रीन कलर क्यों यूज किया, क्योंकि ये काफी एक ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, ये जो कलर है थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का ग्रीन है और येलो के साथ ये कलर काफी कॉम्प्लीमेंट देगा अपने जो क्या कहते हैं ड्रॉइंग है उसको। मैं थोड़ा सा पेंसिल से फोल्ड्स को और अच्छे से दिखा दे रहा हूँ ताकि मेरे को बनाने में थोड़ा सा आसानी हो। मैंने क्या किया दूसरे पैलेट में, क्योंकि ये एकदम डिफरेंट कलर है बाकी जो कलर से उनसे, तो मैंने क्या किया कि जो अभी ये विरिडियन ग्रीन है, मतलब जो विरिडियन ह्यू कलर है, जो कि एक काफी कैसा ब्लूइश कूल टाइप का ग्रीन है, उसको मैंने लिया। उसके साथ मैंने पर्शियन ब्लू को मिक्स किया, तो देखिए कैसा एक टील टाइप का कलर बन गया, एक कैसा एक डीप ग्रीन बन गया। इस कलर को हम लेते हैं, और फिर अच्छे से इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये काफी एक वाइब्रेंट सा कलर है, तो गलत जगह पे अगर आप इसको फैला देंगे तो फिर गलती से बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है।
ऐसे डिजाइन बना दीजिए बस। इसलिए मैंने पहले इसके ऊपर ऑकर येलो का एक छोटा सा वॉश दे दिया था, तो इससे क्या हुआ कि जो क्या बोलते हैं एक डिजाइन के लिए एक बेस बन गया ऐसे। इसके बाद थोड़ा सा ब्राउन मिक्स कीजिए इसमें, फिर तो सब वर्मिलियन, तो क्या होगा ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा। इससे कलर को कुछ फर्क नहीं पड़ा, देखिए कलर चेंज नहीं हुआ, बस ये थोड़ा सा डीप हो गया। हाँ, क्योंकि अगर आप देखिए कि वाटर कलर में आप एक ही कलर मिक्स करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पानी जब भी उसमें पड़ेगा तो वो हल्का हो ही जाएगा। तो आपको दूसरे कलर्स को जो कि उससे बिल्कुल अलग है ऐसे यूज करने हैं, ताकि वो देख के लगे कि वो कलर डीप हो गया। ऐसे बस इसको फैला दीजिए बस, इससे थोड़ा सा इससे काफी कॉन्ट्रास्टिंग जो नेचर है वो दिखने लगेगा और ये काफी अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पर छोड़िए, थोड़ा सा पतले ब्रश से मैं क्या करता हूँ इसमें एक तो डिजाइन्स बना देता हूँ ऐसे, बस कुछ भी बस खत्म। उसके बाद सेम कलर का आप लीजिए ब्रश में, फिर से डाइल्यूट कीजिए थोड़ा और थोड़ा सा बनाइए। मैंने फोल्ड्स पे बस ऐसे मार दिया और जो लाइट एरियाज के लिए गैप छोड़ दिया बस। इसी तरह से आप पूरे साड़ी को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले। थोड़ा सा और एक रेड कलर लीजिए, इसको ऐसे इसमें मिक्स कीजिए। देखिए ये जो पार्ट है इस पे आपको उतना डीप मतलब उतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप पूरे एकदम आर्टिस्टिक लाइसेंस का यूज कीजिए। क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट है इसको आप थोड़ा सा स्ट्रोक ही रखेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे करके देखिए बस एक फील आना चाहिए कि यहाँ पर वो खत्म हो रहा है। इसे करके थोड़े से स्ट्राइप्स बना सकते हैं, बस खत्म। फिर जैसे मैंने पहले बोला था थोड़ा सा डीप कलर का रेड लेते हैं, थोड़ा ब्राउन लेते हैं, ब्राउन तो ऑलमोस्ट खत्म है। देखिए सबसे ज्यादा यूज ब्राउनी कलर होता है, ब्राउन कलर सबसे ज्यादा यूज होता है। आप उसको काफी कलर को मिक्स करके बना सकते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा यूज मेरा शायद मेरे पास 3-4 साल में मेरे साथ 5 से 6 मैंने ब्राउन कलर बदले होंगे 20 ml के। तो कितना ज्यादा यूज होते हैं ब्राउन कलर, पूरे के पूरे ट्यूब्स काफी जल्दी खत्म हो जाते हैं। और अगर आप वो छोटा 12 ml का पैक लेंगे ना तो देखिएगा 1-2 महीने में ही ब्राउन कलर खत्म हो जाएगा, फिर आपको एक जो आधा अधूरा पैक लेके घूमना पड़ेगा। और वो जो ट्यूब्स होते हैं वो फिर 12 ml वाले ट्यूब्स अलग भी नहीं मिलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर से पूरा पैक ही खरीदना पड़ेगा बस एक ही कलर के लिए। तो इससे अच्छा है बस आप अच्छे से एक अच्छा पैक खरीदे कलर का, ताकि आप बिना रुके पेंटिंग बना पाए। ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं।
आप अगर चाहे तो बहुत भी और भी बहुत इसमें डिटेल बना सकते हो, जो कि मुझे बनाने का बहुत इच्छा हो रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अभी मेरे मन को शांत करके यही पे इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, बस ये इतना ही पूरे फिगर के लिए। लेकिन 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 अभी एक काम बाकी है, देखिए, क्योंकि ये इसमें काफी वाइड गैप्स छोड़े हैं, मैंने देख सकते हैं आप, इसलिए अभी इस वाइड गैप्स को हमें कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पीछे एक बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। जब हम कॉम्पोजिशन ड्राइंग करेंगे तब तो पीछे एक बैकग्राउंड रहेगा, इसलिए इस चीज की चिंता हमको नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि अगर अभी हम फिगर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि थोड़ा सा ब्लू ऐसे लिया, मिक्स किया और ऐसे बस इसको फैला दे रहे हैं। इसमें कुछ ध्यान मत रखिए, बस जो बॉर्डर से उसको अच्छे से फैलाइए। थोड़ा सा ज्यादा कलर लीजिए, बस ये कलर से आपको खेलना है, बस अभी ये लास्ट जो है ये बस खेल है हमारा। आप इंजॉय करेंगे वाटर कलर करने में, जो पेंटिंग है उसमें इंजॉय करेंगे, इमर्स होंगे, तभी आप एक अच्छा सा पेंटिंग बना पाएंगे। और अगर आप मतलब बस बस ऐसे ही कहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और बनाने के लिए बना रहे हैं और आपको मजा नहीं आ रहा, तो कोई फायदा नहीं है पेंटिंग करने का। तो अब जितना हो उतना इंजॉय कीजिए। देखिए मैं कैसे बस बिना चिंता के ऐसे इसे फैला दे रहा हूं। बस थोड़े से एजेस का ध्यान रखिएगा कि ये कहीं हमारे पेंटिंग के अंदर जाके इसको खराब ना कर दे, बस। और फिर आप इसको फैला दीजिए। हार्ट एडजस्टमेंट रहने दीजिए, बस इसको मिला दीजिए ऐसे। थोड़ा सा और डीप करता हूँ मैं इसको। अगर आप देखेंगे कि इसमें वो जो क्या बोलते हैं घुमावदार, वो चक्कर जैसे बन जा रहे हैं पानी को सोख के, और काफी गंदा दिख रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसे हमें आउट ऑफ फोकस ही रखना है। तो हम जो भी करें इसमें, जैसा भी करें चलेगा, लेकिन थोड़ा सा कूल कलर्स, अच्छे कलर्स यूज करने की कोशिश कीजिए, तो क्या होगा, ये अपने पूरे ड्राइंग को कॉम्प्लीमेंट देगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा, और ये दिखने में काफी टोटल टोटल ड्राइंग को ये एक बूस्ट दे देगा। बस ऐसे इसको रख दीजिए। इतना ही काफी है, इससे ज्यादा आप कुछ मत कीजिए। ये भी मैंने थोड़ा ज्यादा ये डिटेल्ड बना दिया है, आप चाहे तो इससे थोड़ा सा कम डिटेल बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा वहां पर। लेकिन इस जो लेसन था इसमें मैंने क्या किया कि पूरी डिटेल के साथ, अगर आपको इसके बाद अगर आपको कोई भी फिगर को अच्छे से कलर करना हो, तो आप उसको जितने चाहे उतने डिटेल के साथ कलर कर सकते इसी टेक्निक का यूज करके। देखिए मैंने क्या किया, फिर से एक बार बोल देता हूँ कि मैंने बस फर्स्ट वॉश दिया जिसमें मैंने बेस कलर मारा, उसके ऊपर मैंने बस थोड़े से स्ट्रोक्स का यूज करके, देखिए ब्रश का बस यूज
पेंट बकेट टूल जैसा नहीं होता, जैसे कि क्या बोलते हैं हमारे जो पेंट एमएस पेंट है उसमें एक पेंट बकेट टूल जैसा आपने देखा होगा, वो क्या करता है बस एक शेप को फिल करता है, वैसा काम नहीं है ब्रश का। ब्रश उस चीज के लिए नहीं बना, और आर्टिस्ट वो भी नहीं होता जो कि बस ऐसे शेप में फिल करे। ब्रश का काम होता है स्ट्रोक्स मारना, और वो अच्छे से एक सुंदर जो स्ट्रोक मारेगा वही अच्छा पेंटिंग बना पाएगा। तो आपका मेन काम है कि आप कैसे भी स्ट्रोक्स का यूज करके एक अच्छे ड्राइंग को बनाना सीख लीजिए। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है, इतना ही था आज का वीडियो। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, और भी फिगर्स बनाइए, इंटरनेट में ढूंढिए कुछ फिगर्स और उसको बनाने का कोशिश कीजिए, और उसके बाद फिर अपने माइंड से भी बनाइए। आप बस देख के बनाएंगे तो भी नहीं होगा, और बिना देख के बनाएंगे तो भी नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि स्टार्टिंग से बिना देख के बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर क्या होता है कि उनका जो फिगर होता है वो काफी कार्टूनिश दिखता है, मतलब रियल जैसा दिखता ही नहीं है। तो वैसा भी मत कीजिए, तो देख के भी बनाइए, सीखिए जो पुराना अच्छे आर्टिस्ट है राजकुमार साधव भाई, मिलिंद मल्लिक, सबसे सीखिए, और जो बाहर के आर्टिस्ट हैं उनसे भी सीखिए। काफी यूट्यूब में और भी वीडियो से उनको देखिए, वाश कैसे देते हैं, मैंने भी एक वीडियो बनाया था वाश के ऊपर, उसको भी देखिए और सीखिए। और जितना हो सके अभी कम टाइम बाकी है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, घूमने फिरने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन अभी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।